कटक साहब सामने कर, कटक साहब सामने कर, एक मिनट कटक साहब, कटक साहब ये बताइए कैसी रही आज आपकी मीटिंग? मीटिंग ठीक ठाक रही। अच्छा कटक साहब, इस मीटिंग के अंदर कोई टेंटेटिव डेट दे दी गई है? 23 या 24 या 25 दिसंबर हफ्ते के दिन खान साहब स्पीच करेंगे। अच्छा, तो उसमें बात करेंगे? नहीं, कोई आइडिया को माइंड सेटअप किया गया कि एक हफ्ते का टाइम देना है, दो हफ्तों का देना है? खान साहब का माइंड सेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन कटक साहब उन्होंने फैसला खुद ही। काफ लीग आज असल कैसे साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है प्रिजलाई साहब से, तो क्या उनकी तरफ से कोई डिले की ऑप्शन या कोई मुशावरत तजवीज़ है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वो बहुत क्लियर है, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, अपने वादे पे खड़े हैं, जब खान ऐलान करेगा उनको एतराज़ नहीं होगा। अगर हुकूमत एक वफ़द तश्कील देती है मुज़ाकरात के लिए, तो आप लोग इसी अपने फैसले पे अटल हैं कि इलेक्शन की डेट पहले मशरूत मुज़ाकरात पे जाएंगे या बैठ के निगोशिएशन करनी चाहिए? हम ये कहते हैं कि अगर बात होनी है तो इलेक्शन की डेट का भी जिक्र हो, यानी कि डेट पहले दे दें, वो तो जब बात होगी तो डेट होगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर बात होनी है तो इलेक्शन की डेट को भी डिस्कस ज़रूर करना है। खटक साहब, ये कहा जा रहा है कि पहले कौमी असम्बली से आपके तमाम अरकान इस्तीफ़े देंगे और उसके बाद सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी। कौमी असम्बली तो इस्तीफ़े ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वो नहीं कर रहे, गैर कानूनी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी हम रिज़ाइन कर चुके हैं, और अगर उनको ज़रूरत है हम दोबारा भी जाने को चाहें। एक फार्मूला दिया गया था कि तमाम अरकान कोई वो जाएँगे इंशाल्लाह, लेकिन असम्बली जब प्रोरोग होगी तो हो सकता है हम स्पीकर साहब के पास चले जाएं, क्योंकि हमारे इस्तीफे से किए जाएं। अच्छा, मोनस आज अपने वालिद को पैगाम लेंगे खान साहब की तरफ से? नहीं, वो क्लियर है यार, एक कमिटमेंट की हुई है, बार बार आप क्यों उसमें फंसा रहे? नहीं, इसमें ये बात चल रही है कि मोनस को पैगाम, कोई बात नहीं चले, जो मैं बता रहा हूँ हकीकत है, कोई बात नहीं है, बाकी प्रोपेगेंडे वो अपनी कमिटमेंट पर खड़े और खड़े रहेंगे। अच्छा।